सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। होटल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एसडीओ द्वारा कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी के प्रधान उदय सोरोत ने कहा कि होटल उपमंडल द्वारा कर्मचारियों को परेशान कर अपने सर्टिफिकेट चेक कराने को कहा जा रहा है और चेक न करने पर उनकी हाजिरी नहीं लगाई जा रही है, साथ ही सैलरी काटने के भी आदेश दिए गए हैं। और क्या कुछ कहा सुनिए। उपमंडल अधिकारी का कर्मचारी विरोधी रवैया है, उस रवैये के खिलाफ ये कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उपमंडल अधिकारी बार बार आदमियों को पर्सनली इंगित करके उनको जो है टॉर्चर किया जाता है, उनसे तरह तरह की बात की जाती है, उनको उनकी सैलरी पूछी जाती है, उनको उनका पद के बारे में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा लेटरबाजी की जा रही है। और कर्मचारियों को सर्टिफिकेट चेक करने के नाम पर जो है टारगेट करके उनको उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जेई साहिबान को ये बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों से इनके सर्टिफिकेट मंगवाए जाएं और अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं लाया जाता है तो उसकी एब्सेंट लगाई जाए, उसका वेतन काटा जाए। ये भिन्न भिन्न तरीके की बातें पहले से भी आई हैं और हमारा यूनियन का ये एक मानना रहा है कि इन कर्मचारियों को 10-10, 12-12 साल हो गए हैं। ये जिस टाइम इनका सिलेक्शन हुआ था, जिस टाइम इनको रखा गया था, उस टाइम इनके सर्टिफिकेट ठेकेदार और अधिकारियों के मार्फत रखे गए थे। बहरहाल कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके साथ ये अन्याय होगा तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। सत्य खबर के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।